नमस्कार। आज आप लोग पढ़ेंगे कृषि गणित के अंतर्गत आने वाली ठोस ज्यामिति के अंतर्गत घन और घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है। तो एक्सरसाइज भारत भारती किताब से एक्सरसाइज 17.1 का सवाल नंबर 11, 17.1 का सवाल नंबर 11, एक्सरसाइज 17.1 और किताब है भारत भारती प्रकाशन, ठीक है। कृषि एग्रीकल्चर कक्षा 11। तो क्या कहता है सवाल, बोलेंगे 3.5 मीटर लंबी, 2.5 मीटर ऊंची और 60 सेमी मोटी दीवार है। पहले दीवार के लिए लिख लेंगे, दीवार दीवार की लंबाई क्या है, 3.5 मतलब यह है 3.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लें तो यह बराबर 3.5 × 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यह इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे, जीरो कट जाएगा, 350 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई क्या है, 2.5 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, 2.5 × 100, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे जीरो कटेगा, बी इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। और उसकी मोटाई क्या है दीवार की, 60 सेंटीमीटर, h बराबर 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, आयतन, क्या निकाल लेंगे हम, आयतन। फार्मूला क्या होता है, LBH, कितना हो जाएगा, 350 गुणे 250 गुणे 60, बात समझ में आ रही है, 350 गुणे 250 गुणे 60, इसकी गुणा करनी पड़ेगी आपको, बिना गुणा के इसका कोई भी तरीका नहीं है, गुणा करें आप, देखें 350 ऐसे लिखा रहे दो गुणे 25 छक्का 150 हो गए और 0 0 ये हो गए, 25 छक्का 150 और 2 0 ये हो गए। अब 0 कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने 0 हो गए, 4, 1 2 3 4, 15 75 का 5, कैरी कितना हुआ, 7 हुआ, 52, 15 43 45 और 7 52, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कहाँ में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। आयतन कहाँ में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्या कहता है आगे सवाल में बताएं, आगे सवाल से कहना है कि 20 सेंटीमीटर लंबी ईट, हाँ, दीवार में 20 सेंटीमीटर लंबी, हाँ ईट, हाँ, और 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 7 सेंटीमीटर मोटे, कितनी ईटें लगेंगी, तो ये सब बात की बात है। सबसे पहले जो इसकी कंडीशंस तो नहीं दी कोई, कोई कोई कंडीशन दी है, जबकि बनी हुई दीवार के 10% भाग में चूना, ये पूरी दीवार का आयतन है जबकि चूना इसके कितने भाग में लगा है, 10% भाग, तो ईंटें कितने भाग में लगेंगी, 90%। तो सबसे पहले चूना हटाओ, लगा चूना प्लस मसाला, तो इसका 10% पहले लगता था जब सीमेंट की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, तब चूने और मसाले की दीवारें उठाई जाती थी। आप पुराने जो राजमहल हैं, जैसे अपना लखनऊ का, लखनऊ में ताजमहल है, इमामबाड़ा, आप लखनऊ के इमामबाड़े में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो इमामबाड़े की दीवारें हैं वो चूने और मसाले से ही जुड़ी और काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन सीमेंट की अपेक्षा ये कम जोर होती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, बहुत मोटी मोटी दीवारें उठाई जाती थी ना। लगा चूना और मसाला, तो क्या लिख लेंगे, 52
कितना है ये 52,50,000 गुणे 10/100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 52,50,000। ये इतना चूना लगा है तो शेष आयतन दीवार का क्या निकालेंगे, शेष आयतन निकालेंगे, बचा हुआ चूना हटा देंगे, चूना और मसाला हटा देंगे तो पूरा क्या था हमारा 52,50,000 और माइनस कर देंगे 0,0,0 यहाँ से कैरी लिया है इतना हुआ 10 में से 5 गया, 5 यहाँ बचा, 4 में से 2 गया, 2 यहाँ क्या बचा कैरी लिया, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 12 से 5 गया, 12 से 5 गया 7 और यहाँ पे कितना बचा 4 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया? अब इतने आयतन में ईंटें लगी हैं, जो मसाला हटा दिया, अब इतने आयतन में क्या लगी हैं? ईंटें लगी हैं। तो आप एक ईंट के लिए, एक ईंट की लंबाई क्या है बोलो, 20 क्या सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मोटाई 7 सेंटीमीटर, मोटाई एच 7 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना पड़ेगा, आयतन हम ना निकालें तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, इसे क्या शॉर्ट कर देंगे, इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे ईंटों की संख्या, हमें क्या निकालना है ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या। तो ये क्या हो जाता है दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन भी वही वैसे निकलेगा एलबीएस से, ठीक है, दीवार का आयतन गुणे बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन कितना आया था 47,250,000, नीचे ईंट का आयतन कितना आया 1400। क्या फायदा करने से, ऐसे कर लो ना, ऐसे काटने में आसानी हो जाएगी, 0 से 0, 0 से 0, 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूनी 2 3 1 हो गए 12 2 6 12 2 दूनी 4 कितना हो जाए 2 5 10। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 3 21 कितने बचे 2 हो गए 26, 7 3 21 कितने बचे 5 कितना हुआ 52,750 कितने बचे 7 5 35 तो कितना आ गया 3,375 दीवार में लगी। समझ गए कि दीवार में लगी ईंटें कितनी हो जाएंगी 3,375 ईंटें हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? अब ये इसमें चूना और मसाला था तो उसको माइनस करना पड़ा, अगर ये चूना मसाला ना होता तो हमें क्या करना होता, डायरेक्ट ही दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, बहुत सिंपली हो जाता। ओके चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12 क्या कहता है, यदि एक ईंट 24 सेंटीमीटर लंबी, ईंट की लंबाई है, ईंट की लंबाई L बराबर 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और मोटाई 8 सेंटीमीटर। अच्छा आगे बताएं, नहीं नहीं क्या जरूरत है आगे और कुछ, 16 मीटर लंबी दीवार है ना, तो दीवार दीवार की लंबाई बहुत कम शॉर्टकट से बता रहे हैं ना, दीवार की लंबाई L बराबर कितने दी है, L बराबर दी है
16 मीटर। अब देखिए ईंट का आयतन क्या है, ईंट की लंबाई चौड़ाई क्या है में दे रखी है, सेंटीमीटर में। ईंट की लंबाई चौड़ाई क्या है में दे रखी भैया, सेंटीमीटर में। और दीवार की क्या है में दे रखी है, तो हमको एक ही यूनिट में करना होगा। हमने पहले भी बताया कि जितनी भी लंबाइयां चौड़ाइयां हैं सबको एक यूनिट में करना है। तो 16 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 सेंटीमीटर। 1600, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई 6 यानी 600, 6 मीटर है हाँ, तो b बराबर 600 सेंटीमीटर और मोटाई 20 सेंटीमीटर, h बराबर 20 सेंटीमीटर में इधर रखा। दीवाल में चूना तो नहीं लगा, मसाला तो नहीं लगा, सीमेंट की बात तो नहीं की गई है, तो डायरेक्ट ईंटों की संख्या निकाल लेते हैं। हमने किसी का देखो अब क्या नहीं निकाला है, यहाँ पे आयतन उतन की जरूरत नहीं है। अभी 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 बस मिनट, ईंटों की संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले ईंटों की संख्या क्या होता है, मैं फार्मूला बताया, जो बड़ी चीज है उसका आयतन और बटे जो छोटी चीज है मतलब ईंट, एक ईंट का आयतन। बात समझ में आया? अच्छा, ये कितना था, 1600 × 600 × 20 और आयतन का मतलब वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ईंट के भी ऐसे रख देंगे लंबाई गुणा, अब अलग अलग गुणा करो फिर भाग करो तो लंबा हो जाएगा एक ही साथ में। ईंट का क्या था, 24 × 10 × 8 जीरो से जीरो काट दिया, ठीक है ना, 8 × 2 = 16, ये कितना आ गया, 200 आ गया। तो छह चौबीस, दो दूनी चार और 2 से इसको काट दिया, ये के साथ गया 100। 100 और 100 की गुणा कितनी आ गई, 10,000 दीवार में लगी ईंटें, दीवार में लगी ईंटें कितनी आ गई, 10,000। अब पूछ रहा है दीवार का भार क्या हो जाएगा, ये जो दीवार बनेगी ये दीवार कितनी वजन होगी, ठीक है, ये दीवार कितनी वजन होगी, तो एक ईंट का भार निकाल लो भाई, एक ईंट तोल लो, एक ईंट का भार कितना है, 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, समझ गए, एक ईंट के वजन 3 किलोग्राम, तो कुल भार, कुल भार 10,000 ईंटें आई थी और उन्हें 30,000 किलोग्राम, तो कुल भार निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 30,000 किलोग्राम। बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्ट है इसमें है, मेरे ख्याल से तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ रहे होंगे। तो इस टाइप के सवाल जिसमें ईंटों की संख्या निकालनी हो या किसी में घनों की संख्या, कोई बड़ा टुकड़ा है और उसमें से कोई घन काटे जा रहे हैं, गोलियां बनाई जा रही हैं, गोले निकाले जा रहे हैं, इस प्रकार से आपको सवाल आसानी से लगा लोगे। कैसे लगाओगे, बड़ी चीज का आयतन बटे छोटी चीज का आयतन, बशर्ते दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। जैसे अगर मीटर सब मीटर में रखो या तो सब मीटर में रखो, या सेंटीमीटर में रखो तो सारे सेंटीमीटर में रखो, मिलीमीटर में रखो तो सारे मिलीमीटर में रखो, तभी ये संभव हो पाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे किताब में दिया है सवाल दिया है, अब वो कुछ मीटर में दिया है कुछ सेंटीमीटर में दिया है, अगर आप उनको एक यूनिट में नहीं बदल रहे हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, ओके थैंक यू।